वसई की माणिकपुर पुलिस की अपराध शाखा टीम ने 5 ऐसे सातिर चोरों को गिरफ्तार किया है जो दिन दहाड़े बंद घरों को निशाना बनाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया करते थे। माणिकपुर पुलिस की अपराध शाखा टीम ने 6 दिनों तक अपराध वाली जगह पर सबूत इकट्ठा कर व तांत्रिक जानकारी के आधार पर अभिषेक कामेश्वर सिंह, मोहम्मद तुफेल, रंजीत सहानी, आशीष कुमार यादव व वीरू रामविलास पासवान को गिरफ्तार किया है। वहीं पकड़े गए आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि चोरी का सामान वे संतोष भीमा पाटिल नामक रिक्शा चालक के द्वारा बिकवाते थे। वहीं पुलिस ने उसे भी हिरासत में लिया है। वहीं इन आरोपियों के पास से पुलिस ने 3 मामलों का खुलासा करते हुए 6,12,000 का माल भी बरामद किया है। माणिकपुर पुलिस स्टेशन के हद्दी में लगातार दोपहर के टाइम में लॉक तोड़ के घरफोड़ी होती थी। ऐसे 3-4 केसेस हुए थे। अभी 8 दिन पहले ही अंबाड़ी रोड के फार्म हाउस होटल के बाजू में बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर में वो महिला कुछ बाजार का सामान लेने के लिए गई थी। 2 घंटे के अंदर ही वो घर का ताला तोड़ के कपाट में से उसके सोने चांदी के दागिने लुट के चले गए थे। माणिकपुर के डिटेक्शन स्टाफ ने पूरा टेक्निकल इन्फॉर्मेशन निकाल के सीसीटीवी का पूरा परस्यू करके उनको कोपरखाना तक 8-10 दिन में कोपरखाना तक उनका कंटिन्यूटी लेके कोपरखाना तक उनको लोकेट करके उनको वहाँ से झोपड़पट्टी से दबोच लिया है। इनका ये जो 5 आरोपी है पूर्णिमा जिला बिहार राज्य के है। पहले भी फेब्रुवरी में भी इन लोग 15 दिन के लिए आए थे। इनका एमओ भी है कि 15-20 दिन आने का, जो कुछ चोरी करने का और वापस बिहार जाने का। इनको पकड़ के फिर 157 ग्राम का सोना और 510 ग्राम का चांदी ऐसे कुल मिला के 6,12,000 का माल हस्तगत किया है। ये 5 जन चोरी करके सफाला के संतोष पाटिल करके रिक्शा वाला है, उनको ये माल सब बेचने के लिए देते थे, उसको भी हमने आरोपी बनाया है। माणिकपुर के 3 घरपुड़ी के गुने डिटेक्ट किए हैं। सर, इन आरोपियों का बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड कुछ काम धंधा नहीं है कुछ, बस इनका आना 15-20 दिन के लिए थाना या किधर कोई भी सिटी में जाना और घरपुड़ी करना। इनके पास से 2 जो कटावनी जो हमने हस्तगत किए है, अगर आप देख सकते हैं यहाँ, तो इसको यहाँ हल्दी कुंकू लगा के उसका शुरुआत की है। इसका मतलब उन लोग भी हल्दी कुंकू लगा के चोरी के लिए निकलते हैं। कटावनी को हल्दी कुंकू लगाया हुआ या दिख रहा है। वसई से क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज की एक रिपोर्ट।